पंजाब में बीजेपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। एक ओर जहां बीजेपी जीत के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी वर्कर्स आपस में हाथापाई पर उतर आए हैं, जिसकी तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बूथ मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल भी मौजूद थे। हालांकि इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं में कुछ कहासुनी हो गई, जो देखते देखते हाथापाई में पहुंच गई। उधर सूचना मिलते ही पुलिस ने हरजीत सिंह ग्रेवाल को मीटिंग से निकाला और मामले को रफा दफा करवाया। हालांकि अब ये मामला काफी वायरल हो रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं का यूं कानून हाथ में लेना और किसी गुंडे की तरह एक दूसरे पर लाठी और मेज से हमले करना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। दरअसल पंजाब में बीजेपी इस बार अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको देखते हुए पार्टी की ओर से बूथ मीटिंग आयोजित की जा रही है। ऐसी एक बूथ मीटिंग लुधियाना के पायल में रखी गई। इस दौरान बीजेपी वर्कर्स में जमकर हंगामा हुआ। किसी बात को लेकर वर्कर्स में कहासुनी हो गई, जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सी और मेज मारने लगे। बता दें कि मीटिंग में पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल भी उपस्थित थे। उनके सामने ही वर्कर्स आपस में भिड़ते हुए एक दूसरे पर कुर्सी और मेज मारते हुए नजर आए। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मीटिंग से हरजीत सिंह ग्रेवाल को निकाला। फिलहाल ये विवाद किस बात को लेकर हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि बीजेपी की मीटिंग चल रही थी, इस दौरान ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को सुलझाया। बीजेपी कार्यकर्ता किस बात को लेकर आपस में भिड़ गए थे, इस बात का पता नहीं चल पाया है। उधर बीजेपी नेताओं का यूं इस तरह अपने ही नेताओं पर लात घूंसे चलाने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है और चुनाव से पहले पार्टी के लिए नया सिर दर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।